तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। दादे आज तुम्हारी बारी है आइसक्रीम खिलाने की, पैसे लायो। क्या मतलब नहीं, जाओ जाके पैसे लाओ, वरना तुम तो जानते हो कि मैं ऐसा मुक्का मारती हूँ कि नानी याद आ जाती है। मगर दादी ने देख लिया तो, और ये तो चोरी। अच्छा चोरी, तो कल मेरी आइसक्रीम नहीं खानी थी ना, अब मुझे नहीं पता, जाओ जाके पैसे लाओ, जाओ। फिकर ना करो, आज मैं तुम्हें भी आइसक्रीम खिलाऊंगी। इतनी सारी चीजें? हाँ तुम्हारे लिए, खा लो। बेटा इधर आओ, मैंने तुमसे बात करनी है। सैफ बेटा दादी से बहुत प्यार करता है ना? जी दादा बहुत ज्यादा। और जो मैं पूछूंगी सच सच बताओगे ना? जी दादू। झूठ तो नहीं बोलोगे? नहीं। शाबाश। अच्छा बेटा ये बताओ कि दादू ने इस बैग में जो पैसे रखे हुए थे वो आपने क्यों निकाले? बताओ ना बेटा, आपने वादा किया था आप सच सच बताएंगे। वो दादू सीमी ने मुझे कहा था। अच्छा सॉरी दादू। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, आइंदा हर बात दादू से पूछ के करनी। शाबाश। अब देखो सैफ ने सीमा के कहने पर चोरी की, मुझे तो सच मानो बहुत फिक्र लग गई है। बुराई की तरफ पहला कदम बढ़ाना ही मुश्किल होती है, उसके बाद तो समझो कदम बढ़ते ही चले जाते हैं। अरे नफीसा बेगम आप बिल्कुल परेशान मत हो, देखें सैफ तो अभी बच्चा है, उसके जहन में अच्छाई और बुराई का इतना फर्क नहीं है। आप बस सैफ का ख्याल रखें और उस पर नजर रखें। ख्याल तो मुझे नेहा और सीमी का भी रखना है, आखिर को वो भी तो मेरी पोतियां हैं। यूं लगता है जैसे उनकी माँ के खानदान का असर उन पर भी है। इस सिलसिले में आप यावर बेटे से बात करें, वही आपकी बात समझ सकेंगे।
ठीक कह रही हो। क्या वो सही बात करना हो? जानते हो आज क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी तो खैर इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, हैसियत जो नहीं है मेरी। मैं ना कहती थी ये लड़का लाड प्यार में बिखर गया है, लेकिन नहीं, मैं कहां कुछ कह सकती हूं। एक लफ्ज भी मुंह से निकला तो आपकी अम्मी जान तो शामत ले आएंगी मेरी। नहीं पर हुआ क्या? सैफ ने अम्मी जान के पर्स से पैसे चुराए और स्कूल के बाहर से पता नहीं क्या गंदबला लेकर खाता रहा, खुद भी खाता रहा और सीमी और नेहा को भी खिलाता रहा। लेकिन बात यहां तक नहीं है, जब अम्मी जान ने उसको पूछा तो आपको पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसने ये हरकत सीमी के कहने पर की, पैसे उसने सीमी के कहने पर चुराए, चोरी खुद की और इल्जाम मेरी मासूम बच्ची पर धर रहा है। अम्मी जान भी आपसे यही कहेंगी। आप खुद बताएं, सीमी नेहा ने पहले कभी को गाली दी है, चोरी की है, ये सब कुछ इसी घर में आकर क्यों हो रहा है? करता सैफ है और इल्जाम मेरी बच्ची ऊपर आता है। ये सब इसलिए है ना कि हमारी कोई हैसियत नहीं है इस घर में, हम आपकी अम्मी के टुकड़ों पर पल रहे हैं सिर्फ इसलिए। अच्छा बाबा, अब अपना रोना धोना बंद करो, मैं अम्मी जान से बात कर लूंगा। अम्मी जान, कहना अजीब लगता है लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि सैफ की मोहब्बत में आप सीमी और नेहा के साथ ज्यादती कर रही हैं। आखिर वो भी तो आपकी बोटियां हैं और इससे पहले कभी कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिला। पहले सैफ ने भी कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की, बहुत अच्छा बच्चा है वो। यही गुमान मुझे अपनी बेटियों पर है। तुम्हें सिर्फ गुमान है और मुझे यकीन है, पर तुम फिक्र मत करो, कुछ ही देर में हकीकत वाजे हो जाएगी। सीमी, सच सच बता दो वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा, बोलो। नेहा तुम बताओ, और अगर तुम मुझे सच बताओगी ना तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। दादी जान, सीमी ने सेफ को कहा था आपके पर्स से पैसे चुराए। सीमी, शर्म नहीं आती तुम्हें? छोटे भाई को चोरी पर उकसाती हो, बेअदब बदतमीज। यावर, क्या हो गया है? बच्ची को तमीज से तहजीब से समझाओ। पहले आग लगाती है फिर ऊपर से पानी डालती है बुझाने के लिए। सीमी, फौरन दादी से माफी मांगो। चलो गुलनाज, यावर बच्चे सांझे होते, उनकी तरबियत उनकी तालीम यकसा होनी चाहिए। जिस तरह से सैफ मुझे अजीज है, इसी तरह से सीमी और नेहा। अमीन, अमीन, मैं सच में बहुत ही शर्मिंदा हूं। बेटा, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, सोचने की फिक्र करने की जरूरत है। सीमी, तुमने सुना नहीं तुम्हारी मां ने क्या कहा? फौरन दादी जान से माफी मांगो, फौरन। सीमी, सीमी, यावर, रुक जाओ बेटा, बाद में समझा ले। इस तरह सबके सामने डांटना अच्छा नहीं होता। जी अम्मी। मैं जानता हूं कि सबके पीछे सीमी का हाथ है, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं। आखिर ममता की पट्टी जो बंधी है तुम्हारे आंखों पर। आपको तो मौका चाहिए बच्चों के पीछे पड़ने का,
और वो आपका सैफ इतना मासूम है, इतना भोला है कि सीमी ने कहा और वो उसकी बातों में आ गया। ये सारी शरारत सैफ की है, सुन ले आप मेरी बात। तुम्हें वाकई बहस करना बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई नेहा ने खुद इकरार कर लिया है, लेकिन तुम अब भी कह रही हो कि नहीं सैफ की शरारत है। अरे नेहा तो छोटी है, मासूम है, सैफ ने कहा होगा वो उसकी बातों में आ गई होगी। हमारी बेटियों की गलतियों पर पर्दा मत डालो, आगे जाकर हमारे लिए मुश्किल होगा। और आप जब भी बोलिएगा ना उनके हक में बुराई बोलिएगा। देखो मैं उनका बाप हूँ, उनकी भलाई चाहता हूँ, और अगर अम्मी जान भी कुछ कहती है ना तो सिर्फ उनकी भलाई के लिए। आपकी अम्मी जान सिर्फ मेरा दिल जलाना जानती है, सारी उम्र उन्होंने यही किया है। चुड़ैल कहेंगी। मैं बहुत डर गई थी सीमी। मैं कोई डरती हूँ दादी से कि तुम डर गई? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। क्या हो रहा है ये? हाँ अम्मी सीमी ने मुझे मारा है। क्यों छोटी बहन को मार रही हो तुम? अम्मी से दादी सामने बकवास चुकी थी। असल फसाद की वजह ये सैफ है। तुम दोनों मेरी बात गौर से सुन लो, खबरदार जो सैफ के साथ दोस्ती की उससे बात की या उससे तुम लोग खेले, समझ आ गई है? ठीक है अम्मी। और अगर तुमने फिर पैसे चुराए ना तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगी। अगर आप मुझे मारेंगी तो मैं भाग जाऊंगी। अरे कितनी बदतमीज हो गई है ये। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी जान वो मैं रात देर से आऊंगा, फैक्ट्री के कुछ मसाइल हैं, उन्हीं सिलसिले में जा रहा हूँ, आप बस दुआ कीजिए। अल्लाह आसानी पैदा करे बेटा। और अम्मी जान एक बार फिर मैं बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटियां ऐसी हरकत कर सकती है, मासूम सैफ को उकसाना। बच्चे तो इसी तरह से करते हैं, मगर हमें चाहिए कि हम बड़े होने का सबूत दें। अब मैं मानती हूँ कि सैफ के मामले में मैं दूसरों से बहुत ज्यादा सख्ती करती हूँ, मगर बेटा डरती हूँ कि कहीं कोई गलती हो गई तो अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। और तुम भी देखना बेटा, हमेशा ख्याल रखो कि उस बच्चे के साथ कोई ज्यादती ना हो। जी अम्मी, अब इजाजत है अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। यावर, कब तक इस तरह तुम उनसे बात नहीं करोगे? मैं तुमसे अपने दिल की बात नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? और मेरा है ही कौन? तुम जानते हो मैं बच्चियों के मामले में बहुत हसास हूं, बस कभी कभी कुछ निकल जाता है मेरे मुंह से। इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम उनसे बात करना ही बंद कर दो। अब इस तरह तुम काम के लिए जा रहे हो, इस तरह मूड खराब करके जाओगे तो काम ठीक कैसे होगा? मुझे माफ कर दो। नाज मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए तो चाहता हूँ कि ये जो छोटी छोटी गलतियां तुम करती हो वो ना करो। जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ माफ कर दो मुझे, मैं कोशिश करूंगी ये गलतियां ना हो। अच्छा जाओ, अब तुम्हें देर हो रही है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह की अमान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दादू मैं बाहर जाऊं? हाँ बेटा जरूर जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी तुम्हें गलत काम कहे, कोई बुरा काम करने को कहे तो फौरन आके दादू को बताना। जी दादू। शाबाश, जाओ मेरा बच्चा। या अल्लाह मेरे सैफ की हिफाजत करना।
भी खेलूं तुम दोनों के साथ? नहीं, चले जाओ यहाँ से। मेरे पास बैट है, हम क्रिकेट खेल सकते हैं। लाऊं बैट? कहाँ ना जाओ यहाँ से। नहीं खेलना हमें तुम्हारे साथ, नहीं करनी हमें तुमसे दोस्ती और नहीं करनी हमें तुमसे बात। जाओ यहाँ से। बेटा मुझे जीवे से डांटता है, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, मेरे भाई बहन क्यों नहीं है? मैं हूँ ना, मैं खेलूंगी तेरे साथ। देखो बेटा, किसी को तंग नहीं करना, खाना भी ठीक से खा लेना, स्कूल का काम भी कर लेना, और शाम को जब तक उस्तानी जी आएंगी ना तो मैं आ जाऊंगी। जी अम्मी जान, मैं मजार पर जा रही हूँ दुआ के लिए। सैफ घर पर ही है, इसका जरा ख्याल। अम्मी जान, ये मेरे अपने बच्चों की तरह है, इसका ख्याल करने के लिए आपको मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं। जीती रहो बेटा। अब यावर के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा, वो बहुत परेशान है आजकल। जानती हूँ, अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करे। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। चलो। देख कर आती हूँ। नहीं रुको, तुम्हें तो बस जल्दी होती है भागने की, अपना काम करो तुम। सैफ जी, ये किताबें छोड़ो, जाओ जाके गेट पे देखो कौन है। मैं? हाँ तुम। मेरा नाम बेटे मुन्ने मामू। ये कैसा नाम है? बस माँ बाप ने ऐसा ही नाम रख दिया भाई। तुम? अरे अस्सलाम वालेकुम हां जी। अरे अरे बेटा, बहन को सलाम करो, गले मिलो। अच्छा अच्छा, बस ठीक है ठीक है। क्या मुसीबत है, कितनी बार तुम्हें समझाया कि इस तरह मुंह उठा के मत आ जाया करो। अरे वाह बहन जी, ऐसी बेमुरब्बत, कितनी दूर से हम आए सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, बजाय इसके हमें अंदर बुलाती, ठंडे मशरूब से हमारी तवाजा करती, तुम हमें दरवाजे से ही टरखा रही हो। आज पापा की रूह तड़प गई होगी। अच्छा ज्यादा तमाशा मत करो, किसी ने देख लिया तो। चलो आओ अंदर आओ सैफ, चलो अंदर अंदर आओ। चलो चलो यहाँ नहीं बैठना, जाओ बुआ को कहो तुम्हें खाना दे। चलो नहीं। अच्छा दिल नहीं भी चाह रहा तो उठो यहाँ से, चलो जाओ अपने कमरे में जाओ, बाहर ना नजर आना मुझे, जाओ। जा जा, तू भी सिमियो निया कमरे में जा, तेरी बहन का घर है, कोई पराया थोड़ी है। ये बिस्मार खिजर का बेटा
सैफ है? हाँ, और तुम पे ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो तुम यहाँ आ पड़े? अरे भांजी, मैं तो ये देखने आया था कि हमारी भांजी कैसे राज कर रही है इस घर पे, मगर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारा रास्ता अभी तक साफ नहीं हुआ। कौन सा रास्ता? इतनी बोली नहीं हो तुम जितना नजर आ रही हो। अरे जिस जायदाद पे तुम इतना इतराती हो। इसका असल मालिक सैफ है ना, है कि नहीं? इतने बड़े घर में आ गई हो ना, इसलिए मैं भूल गई। तुम्हें कौन याद रखता है? मैं तो तुम्हें बहुत याद करता था। तो मैं क्या करूं? ओ यार, तू तो जाए यहाँ से, क्यों हमारे पीछे लगा हुआ है? जहर लगता है मुझे, हर वक्त तंग करता रहता है। तू तंग करता है तो सिमी को? मैं तो सिमी को तंग नहीं करता। हजार दफा कहे मुझे बाजी बोल, लेकिन नहीं, इसने तो मेरा नाम ही लेना है। दादी से कह के मुझे मारपीट करवानी है, हर वक्त मेरी शिकायतें लगाता रहता है। क्यों बे, सिमी को कोई तंग करे शायद कोई बर्दाश्त नहीं होता, समझा? शाहिद भाई, सिमी को तुम भी जहर लगते हो। अरे नहीं, ये तो मजाक कर रही है। चल फुट यहाँ से। क्यों, मैं क्यों जाऊँ? वे जाता है क्या? नहीं चलो, सिमी ने हाँ इसे जिनों वाले बाथरूम में बंद कर देते हैं। तुम्हें तो पता है ना मेरे पास जिन है। चलो छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। इतना अरसा गुजार लिया मैंने यहाँ किसी न किसी तरह, शादी कर कर आई और बस भी कर, आइंदा भी यहाँ पे जो भी होगा ना मेरी मर्जी से होगा, तुम्हें सोच सोच के हलकान होने की जरूरत नहीं है? अरे भांजी, अगर तेरे बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? अरे इस पूरी दुनिया में है कौन जिसको तेरे हाल और मुस्तकबिल की फिक्र होगी? तेरे माजी की वाहिद निशानी हूँ मैं, हूँ क्या नहीं? अच्छा ये बता, सैफ का करना क्या है? क्या कर रहे हैं? करना क्या है? गायब करा देते हैं इसे, अखवा हो गया, चंद दिन बाद लाश मिलेगी, सब रो दो के चुप हो लेंगे, बस और क्या करना? अब तुझे पता चलेगा। चल नहीं, चलो चल, चलो 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 नहीं खुदा के लिए मामू, मुझे फांसी लगवाओगे क्या? अपने ये मुफीद मशवरे अपने पास ही रखो। अरे भांजी, मैंने तो तुम्हारा भला सोचा था, हाय मगर तुम। मेरा भला? याद है ना तुम्हारी वजह से कितना नुकसान उठा चुकी हूँ मैं। अरे तूने क्या करना है, आया बनी बैठी है अपनी देवरानी की औलाद की, भूल गई सब कुछ? आपा के इलाज के लिए तूने अपने आप को मार के खुद पे जबर करके यहाँ फोन किया था, और इस सपोलिए की माँ ने साफ इनकार कर दिया था तुझे, तू भूल गई होगी सब कुछ। मैं कुछ नहीं भूला। जो भी हो, मुझे अब जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना, जो भी करूंगी सोच समझ कर करूंगी, धीरज के साथ। आदाब। सारा काम खराब कर दिया, कहा भी था इस तरह मुंह उठा के मत आ जाया करो। आज तो मजा आ गया, बहुत अच्छा काम किया तुमने शाहिद। शुक्रिया शुक्रिया। मैं अभी अम्मी को बताती हूँ जाके। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नेहा नेहा, मेरी बात तो सुनो। चलो भागे यहाँ से, आप आ गई तो बहुत डांटेगी। चलो। अम्मी अम्मी, शाहिद और सिमी ने सैफ को कमरे में बंद कर दिया है। क्या? दादा, हाँ एक मिनट
एक मिनट और मेरी बात, मेरे दादू के पास जा रहे हैं। हाँ, दादू के पास आपको लेकर जाती हूँ, डरो नहीं। इधर आओ मेरे पास, आओ मेरे पास आओ। मैंने सीमी और शायद को बहुत डांटा है, तुम उनकी शिकायत बिल्कुल मत लगाना, खासतौर पर दादी को। शायद बड़ा गंदा लड़का है, अगर तुमने उसकी शिकायत दादी को लगाई ना तो वो तुम्हें फिर कमरे में बंद कर देगा। हाँ समझ गया हो ना? शाबाश। सैफ बेटा तुम बाहर जाओ। दादू मैं। बेटा मैं तुम्हारी बात अभी आके सुनती हूँ, तुम बाहर जाके खेलो। शाबाश। मैंने ये हवेली तुम्हें सौंपी है इसकी रवायात के साथ कि तुम इसकी हिफाजत करोगी, इसका मजाक नहीं उड़ाओगी। माफ कीजिएगा अम्मी जान, जिम्मेदारी तो आपने सौंप दी है लेकिन इख्तियार कोई भी नहीं है मेरे पास। अगर एतबार करना है तो मुकम्मल कीजिए, वरना इस हवेली में खामोशी से रहने में भी मुझे कोई आर नहीं। तुम्हारी खामोशी की गूंज सुनाई दे रही है मुझे। अनजान हो सकती हूँ लेकिन नादान नहीं, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस हवेली के लिए क्या दुरुस्त है और क्या नहीं। अम्मी जान ये हवेली आपकी है तो इसमें गूंज भी आपकी आवाज की होगी, लेकिन दूसरों से उनके सांस लेने का हक तो ना छीनी है। मेरी खामोशी को आप अदब समझें या बगावत, या आपकी मर्जी है जो बेहतर समझें। बताने लगे थे तुम दादी को, मना किया था ना कुछ नहीं बताना। इधर आओ जरा, आओ तो सही तुम मेरे साथ। अम्मी जान सो गई? अब तक तो सो ही गई हूँ। और सैफ सो ही गया होगा ना, वक्त देखो क्या हो रहा है, इस वक्त जाग तो नहीं रहा होगा ना। गुलनास तुम तो जानती हो सारा दिन मैं दफ्तर में रहता हूँ, तुम सैफ का ख्याल तो रख रही हो ना? नहीं मेरा मतलब है बिन माँ बाप की औलाद है, हमें तो उसकी माँ बाप की दूरी को कम करना होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सीप और नेहा से ज्यादा तवज्जो तुम सैफ को दो, उसे उसे मोहब्बत दो। देखो यावर, सारा दिन काम करके इतना लंबा सफर करके तुम वापस आए हो और आते ही तुमने मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया। सैफ की फिक्र मत किया करो तुम, बहुत ख्याल रखती हूँ मैं उसका। नहला धुला के, खाना खिला के, होमवर्क करा के सुला दिया मैंने उसे, इतना तो तुमने कभी अपनी बच्चियों का नहीं पूछा। वही बच्चियां जिनका मेरे और तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। सैफ सैफ सैफ। और हाँ मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? पर पैसे तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अरे जरूरियात बढ़ गई हैं, खर्चात बढ़ गए। बच्चियों के लिए कपड़े लेने हैं मुझे, आपकी अम्मी जान को उनके फ्रॉक्स पहनना पसंद नहीं, और मुझे भी कुछ चीजें चाहिए। इतने तुम जिरा करनी शुरू कर देती हो, इतना बड़ा कारोबार संभालते हो, क्या आप मुझे दो दो रुपए के लिए तरसाओगे? गुलनाज मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ, ये बिजनेस मेरा नहीं है, मैं इससे सिर्फ मुआवजा ले सकता हूँ, मेरा और कोई हक नहीं बनता। माफ कर दो मुझे नहीं चाहिए पैसे। अब कहाँ जा रहे हो? सीमी और नेहा के कमरे में। जल्दी ख्याल आ गया। अरे तुम दोनों अभी तक सोए क्यों नहीं, और सैफ कहाँ है? सैफ नीचे दादी पास सो रहा है और हम दोनों उसके टॉयज के साथ खेल रहे हैं। अपनी बेटियों को तो फिक्र नहीं करते,
वही बच्चियां जिनका मेरे और तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, उनके बारे में तो तुमने कभी नहीं पूछा कि वो जाग रही है सो रही है। सैफ का तुम्हें बड़ा ख्याल है। अब्बू हमें भी ऐसी खिलौने दिला दे ना। हाँ हाँ बेटी क्यों नहीं, मैं काम करता हूँ, कल ना आप दोनों को शॉपिंग ले जाऊंगा और जो खिलौने चाहिए खरीद लूंगा। ठीक, मैं बड़ी वाली गुड़िया लूंगी और मुझे इस तरह का भालू। जरूर इसी तरह का भालू लेकर दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? इस बार इम्तिहान में आप दोनों जबरदस्त नंबर्स लाएंगे। ठीक है, मैं नेहा से ज्यादा अच्छे नंबर्स लाऊंगी, ये तो नालायक है। अरे ऐसा नहीं, मेरे ज्यादा नंबर आएंगे। वादा? पक्का वादा। गुड गर्ल्स। कभी कभी मुझे लगता है कि सैफ की मोहब्बत में आप सीमी और नेहा के साथ ज्यादती कर रही हैं। आखिर वो भी तो आपकी पोती है। आमी जान ये हवेली आपकी है तो इसमें गूंज भी आपकी आवाज की होगी, लेकिन दूसरों से उनके सांस लेने का हक तो ना छीनिए। मुझे सैफ के हिस्से में से कुछ हिस्सा यावर को उसकी बेटियों के नाम कर देना चाहिए। ये तो सब कुछ सैफ का है, ऐसा ना हो कि जायदाद का लालच यावर के दिल से सैफ की मोहब्बत को कम कर दे। मैं सुबह वकील को बुलवाती हूँ। दादी जान, एक कुछ लोग आए थे, एक आदमी और एक लड़का, उसका नाम शाहिद था। उसने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया और कहने लगा इसमें जिन है। मैं खूब रोया चलाया मगर उन्होंने मुझे नहीं निकाला। दादी जान आप सुन रही हैं? वो तो बहुत गंदे हैं। सैफ क्या कर रहे हो? दादी को तंग नहीं करो, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, कहानियां बनाता रहता है। दादू बोल तो नहीं रही। अम्मी जान अम्मी जान अम्मी जान अम्मी जान दादा बोल तो नहीं रही। यावर यावर अम्मी जान